प्रधानमंत्री के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम के दौरे से लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। पीएम मोदी जागेश्वर आदि कैलाश गंजी का दौरा करेंगे। इसके बाद वह पिथौरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने चार धामों में जो वेदर रोड, केदारनाथ का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान समेत पहाड़ों में रेल पहुंचाने का काम किया है, रोपवे निर्माण समेत कई अन्य कार्य किए हैं जिसका सबको लाभ मिल रहा है। योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। 2014 में जब हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत एक खुशी का अवसर है, हर्ष का अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के प्रवास पर आ रहे हैं और उनका जौलीकोंग, पार्वती कुंड, आदि कैलाश, गुंजी और जागेश्वर धाम तत्पश्चात एक विशाल रैली को भी वो पिथौरागढ़ में संबोधित करेंगे और साथ ही बहुत सारी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद से आज केदारखंड में हमारे चार धाम ऑल वेदर रोडें जिस प्रकार से बन गई हैं, यात्रियों के लिए सुगम हो गई हैं, केदारनाथ का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान और इसके साथ साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, हेमकुंड साहब का रोप वे का शिलान्यास, केदारनाथ जी का रोप वे का शिलान्यास, ऋषिकेश का एम्स का संचालन, साथ ही हवाई अड्डे का विस्तार। अब जहां केदारखंड में लगातार यात्रियों की संख्या भी इस विस्तार के कारण से, विकास के कारण से, रोडों की अच्छी व्यवस्था के कारण से, हवाई सेवाओं की व्यवस्था के कारण से और आगे आने वाले समय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के पूरा हो जाने के बाद अत्यधिक सुविधाएं यात्रियों के लिए हो जाएंगी और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी विस्तार और विकास आगे बढ़ा है। उसी प्रकार से अब मानस खंड में भी प्रधानमंत्री जी का जो ये दौरा होगा उसके बाद निश्चित रूप से आध्यात्मिक पर्यटन, पर्यटन के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड के मानस खंड क्षेत्र को भी वो पंख लगेंगे और पूरी दुनिया के सामने ये हमारा पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में, धार्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में पूरी दुनिया की नज़रों में आएगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि केदारखंड और मानसखंड दोनों को ही उन्होंने पहले केदारखंड को और मानसखंड को भी विकास की तेज दौड़ में आगे लाने के लिए हम उनका उत्तराखंड की 125 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जागेश्वर में तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी करीब 1.5 घंटे तक अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम क्षेत्र में रहेंगे। प्रधानमंत्री अपनी कुमाऊं की यात्रा के दौरान पिथौरागढ़ जिले के सीमांत आदि कैलाश गुंजी कार्यक्रम के बाद पूर्व करीब 11:30 बजे शोकियाथल स्थित हेलीपैड में उतरेंगे। जागेश्वर मंदिर में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर लोगों में जोरदार उत्साह बना है। अजय भट्ट ने कहा कि पीएम मोदी इंटरनेशनल आइकॉन बन गए हैं। पूरे उत्तराखंड की जनता पलक पावड़े बिछा के प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रही है। आप देख ही रहे हैं कितनी उत्साह है लोगों में, जगह जगह पर लोग तैयारियों में हैं। माताएं बहनें अपने पारंपरिक परिधानों में उनके स्वागत करने के लिए जगह जगह खड़ी होंगी, ऐसा जगह जगह पर माताओं बहनों ने बताया है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में उत्साह है, युवकों में उत्साह है, सारे लोगों में, और जो वृद्धजन हैं और तो और बच्चे जो हमारे हाईस्कूल इंटर कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनको भी पता है क्योंकि मोदी जी इंटरनेशनल लेवल पर। कोटद्वार में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को कुचल दिया। इस घटना से महिला की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवराजपुर निवासी स्कूटी सवार महिला को नजीबाबाद रोड स्थित एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को बीएस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया जहां उसकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद से ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने महिला का शव कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बजे के आसपास एडमिट हुआ था, क्रिटिकली इल था, उसको प्राथमिक चिकित्सा की जा रही थी, उपचार किया जा रहा था। उस समय मैंने अपनी वक्तव्य को उपचार तक ही सीमित रखा था क्योंकि उपचार चल रहा था और पेशेंट को बाहर भेजने की तैयारी कर रहे थे हार्ट सेंटर के लिए ताकि उसकी जान बचाई जा सके।
लेकिन होनी वही होती है जो ईश्वर का विधान है, और लगातार 1 घंटे ट्रीटमेंट के बाद उसका प्राथमिक उपचार के दौरान ही उस मरीज की मृत्यु हो गई है। उत्तराखंड आवास नगर विकास प्राधिकरण की 17वीं बोर्ड बैठक विधानसभा में संपन्न हुई। बैठक में विभागीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि 1 साल बाद यह बैठक हुई है, इसमें यह निर्धारित किया गया है कि हर 3 महीने के बाद बोर्ड की बैठक हो ताकि लंबित कार्य तेजी से किए जा सके। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि लंबित कार्यों की DPR को लेकर भी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि समय से इसको पूरा किया जाए। सबसे पहले तो मेरे द्वारा बोर्ड में ये कहा गया है कि हम लगभग हर 3 माह में इस बैठक को करेंगे, क्योंकि लगभग ये बैठक हमारी 1 साल के बाद हो रही है, तो 3 माह में हम लोग बैठक करेंगे। जो भी बिंदु हमारे सामने हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, यानी कि कोई विषय लंबा पेंडिंग नहीं होना चाहिए। बोर्ड के कारण यदि कोई विषय लंबित होता है तो संबंधित व्यक्ति को भी परेशानी होती है। एक दूसरा, जो हमारे यहाँ बोर्ड की बैठक में ये भी तय हुआ कि हम लोग पूरी तरह से समयबद्ध तरीके से सब काम करेंगे।